दोस्तों कल सैमसंग के अनपैक्ड इवेंट में सैमसंग ने S21 सीरीज़ को लॉन्च किया और ये फ़ोन्स मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, तो इस वीडियो में हम S21 सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले S21 और S21 प्लस के बारे में बात कर लेते हैं। S21 में हमें 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है और S21 प्लस में 6.7 इंच का। दोनों ही फुल HD पैनल्स हैं और दोनों ही HDR 10 प्लस सर्टिफाइड हैं। इन डिस्प्लेस की जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1300 nits। दोनों डिस्प्लेस में हमें एडाप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है 48Hz से लेकर 120Hz तक। अब इन दोनों फ़ोन्स के दिल यानी प्रोसेसर की बात करें तो इनमें सैमसंग का लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट एक्सिनोस 2100 SoC है, जो एक 5 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है और सैमसंग के हिसाब से इसका CPU एक्सिनोस 990 के CPU से 30% बेटर परफॉर्मेंस देता है और GPU में 40% बेटर परफॉर्मेंस। वैसे इसका जो GPU है वो है माली G78, जिसमें हमें 14 कोर्स मिलते हैं। तो यह था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक्सिनोस 2100 के बारे में। तो अब वापस आते हैं इन फ़ोन्स पे। अब कैमरास की बात करें तो दोनों में ही हमें ट्रिपल रियर कैमरास मिलते हैं, एक 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो जो इसका मेन रियर कैमरा है वो 8K तक रिकॉर्ड कर सकता है। दोनों ही फ़ोन्स में हमें 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि रिकॉर्ड कर सकता है 4K तक। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो दोनों में ही हमें ब्लूटूथ 5.0 मिलता है और वाईफाई 6, और ये दोनों ही फ़ोन्स 5G को सपोर्ट करते हैं। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। S21 में हमें 4000mAh की बैटरी मिलती है, वहीं S21 प्लस में 4800mAh। दोनों ही फ़ोन्स 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो चार्जर है वो हमें अलग से लेना पड़ेगा। अब फाइनली रैम और स्टोरेज ऑप्शंस के बारे में बात करें तो इनमें हमें 8GB की LPDDR5 रैम मिलती है 128 या 256GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ। इनकी प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की। ये फ़ोन सैमसंग का अभी तक का सबसे बड़ा फ़ोन है अगर हम फोल्ड को एक्सक्लूड करते हैं तो। इसमें हमें 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और जो इसका रेजोल्यूशन है वो है क्वाड HD, और ये भी HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है ऑब्वियसली। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1500 nits। इसमें भी हमें एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है 10Hz से लेकर 120Hz तक। कैमरास की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और दो टेलीफोटो लेंस, जिसमें एक है 10 मेगापिक्सल का 3x जूम और एक और 10 मेगापिक्सल का 10x जूम, और फ्रंट में 40 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5000mAh की बैटरी मिलती है 25 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, और ये चार्जर आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। रैम की बात करें तो बेस वेरिएंट में हमें 12GB की रैम मिलती है और टॉप वेरिएंट में 16GB की रैम। 12GB रैम के साथ आपको 128 या 256GB का स्टोरेज मिलेगा और 16GB रैम वाले के साथ 512GB स्टोरेज, और जो स्टोरेज टाइप है वो है UFS 3.1 और रैम टाइप LPDDR5। अब फाइनली बात करते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग फीचर की, और वो है कि ये पहला S सीरीज़ का फ़ोन है जो S Pen कंपैटिबल है। यानी कि सिर्फ नोट सीरीज ही नहीं, अब S सीरीज़ में भी आप S Pen यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी S Pen आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। सैमसंग ने यहाँ पे दो S Pens को लॉन्च किया है, एक नॉर्मल S Pen और एक S Pen Pro, जिसमें हमें ब्लूटूथ फंक्शनैलिटीज़ भी मिलती हैं। तो ये थे कुछ मेन फीचर्स S21 सीरीज़ के। अब फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की, जिसके लिए आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। S21 अल्ट्रा की प्राइस स्टार्ट होती है 1,05,999 से, S21 प्लस की 81,999 और S21 की 69,999। मेरे हिसाब से ये इन प्राइजेस पे काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो S21 सीरीज़ पे। आपको ये फ़ोन्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक गुड बाय।